चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं, तो आपको आज टेस्ट में कितने नंबर आए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। हम यहां पर का तैयारी कर रहे हैं MPPNST 2024 के लिए। फिर आ जाता है PVFT, DAHET, PAT, छत्तीसगढ़ BSC, ANM, जितने भी आपके एग्ज़ाम है नर्सिंग की, उन सभी के लिए आज वेरी IMP क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज आपको कमेंट करके बताना है कि कितने नंबर आए हैं। आज हम करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हमसे डेली फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपकी मंडे से एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आपको भी बिल्कुल फ्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल आपकी फ्री क्लास रहेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपकी सुबह 9 बजे क्लास चलती है, दिन में 3 बजे चलती है, और शाम को 8 बजे चलती है। तो जिनको भी बिल्कुल फ्री पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, वो मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बताइए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये आ चुका है आपका कौन सा, ये आपका आ चुका है केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। बताइए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? चलिए, आ गया सभी के। इस वीडियो को थोड़ा सा ना शेयर कर देना भाई, क्योंकि आज बहुत मुश्किल से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसको थोड़ा सा शेयर कर सकते हो आप। बताइए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो मीथेन जो होता है ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होगी? कौन सी इथिलीन अणु? दूसरा क्वेश्चन है कि इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? इथिलीन की आकृति जो होती है वो समतली होगी। कौन सी होगी? इथिलीन अणु की आकृति जो होती है वो समतली होगी, समतल जैसे। तीसरे नंबर का, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? आप स्पेक्ट्रम किसे कहते हो? स्पेक्ट्रम हम कहते हैं सफेद प्रकाश किरण रंगीन पट्टियों में फैल जाती है। सफेद प्रकाश किरण रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्च मुख्य क्वांटम संख्या के वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? फोर्थ नंबर, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्च मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं, उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह कौन सा है? इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वो कौन सा है? पांच नंबर का, वो है पॉली इथेलिन। क्या है? पॉली इथेलिन। इथेलिन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वो होता है आपका पॉली इथेलिन। कौन सा होगा? पॉली इथेलिन। चलिए, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्लोरिक व्युत्पन्न क्या है? बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्लोरिक व्युत्पन्न क्या? फिनाल। कौन सा हो जाएगा? फिनाल हो जाएगा। अगला, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक का जो हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक जो होता है वो आपका अल्कोहल हो जाएगा। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है? युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है।
एसिटिलिन से, किस से बनाई जाती थी? एसिटिलिन से बनाई जाएगी। स्पर्मेटी मोम कहां से प्राप्त किया जाता है? स्पर्मेटी मोम कहां से प्राप्त किया जाता है? स्पेक्ट्रेकम मोम कहाँ से प्राप्त? तो वो हेवल से, किससे? हेवल से स्पेक्ट्रेमी मोम प्राप्त किया जाता है। व्यापारिक वेसलिन किससे निकलता है? व्यापारिक वेसलिन किससे निकलता है? व्यापारिक वैसलीन किसने से निकलता है? तो वो पेट्रोलियम से निकलता है। किससे निकलता है? पेट्रोलियम से। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके फिजिक्स के, ए बायोलॉजी, ए सॉरी केमिस्ट्री के। अब हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन और इसके बाद हम करेंगे आपके बायोलॉजी क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, इसके अलावा आपके सामान्य विज्ञान की बुक अवेलेबल है। आप PNST की तैयारी कर रहे हो, आप एम्स, डाहेट, PVT, ANM, नीट, छत्तीसगढ़ BSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपकी ये बुक अवेलेबल है। इसमें वेरी IMP 7,500 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सारे मिक्स क्वेश्चन है ना, 2,500-2,500 क्वेश्चन सभी के आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपको ये बुक अगर परचेस करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका डेमो देखना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मैं स्मार्ट फोटो, ये हमारा फोटो है, ठीक है? और ये आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं कि सर हमें भी आपकी ये बुक का डेमो देखना है। अगर आप ये बुक लेते हो तो आपको इसके साथ अरिहंत की जो PNST की जो बुक आती है वो आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल में आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी और ये बुक आपके घर पर आ जाएगी 3 से 4 दिन, ठीक है? चलिए, जिनको लेना है ले सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात कि सर इसी में से क्वेश्चन आते हैं क्या? तो ऐसा तो कोई नहीं। आप अगर अरिहंत की बुक भी लाओगे या कौन सी भी बुक लाओगे मार्केट से, तो वो ये नहीं कहेगा कि इसी में से बुक आएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गई तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है ना, ऐसा नहीं कि ये बुक लेंगे तो सर पास ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहीं से भी बुक लाओगे तो क्या उसी में से आएंगे? कहीं से भी आ सकते हैं ना, ऐसा कोई भी भरोसा नहीं है। तो जिनको लगता है वो मंगवा सकता है और जिनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन भाई साहब ने किया था। किसने किया था? न्यूटन भाई साहब ने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन भाई साहब ने किया। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज क्या करता है? तैरता। ये है आपके आर्कमिडीज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आर्कमिडीज का सिद्धांत। अगला, एक व्यक्ति पूर्ण चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप तट तक ला सकता है? चलिए बताइए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल, गति का तीसरा नियम। कौन सा? गति का तीसरा नियम। एक व्यक्ति पूरी तरह चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन का कौन सा तीसरा नियम? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये तो आप सभी को पता है, 1971, 1971। हर्ट्स क्या मापने की इकाई है? हर्ट्स जो हैं वो क्या मापने की इकाई है? हर्ट्स क्या मापने की इकाई है? तो हर्ट्स जो हैं तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्स जो हैं तरंगों की आवृत्ति। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं?
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण है? निम्न घनत्व। कौन सा निम्न घनत्व? अगला, विद्युत मात्रा की इकाई। विद्युत मात्रा की इकाई, आठवें नंबर का क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी हो जाएगी? एम्पियर जो होती हैं, ये विद्युत मात्रा की इकाई हो जाएगी। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के सलानियों को जब दो भिन्न भिन्न व्यास के सनालियों को किसी भी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई कितनी होगी? वेरी वेरी गुड। नौ नंबर का, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ही कराई है, ठीक है? बायोलॉजी हम अगली बार करें। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण उठता है? और इन 20 में से आपके कितने नंबर आए जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। केशी तत्व घटना, ठीक है? चलिए, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।